की खास खबर। पीएम नरेंद्र मोदी ने व्यक्त किया 2019 की लोकसभा की जीत का विश्वास। क्या कहा नरेंद्र मोदी ने? सोलापुर पीएम नरेंद्र मोदी अभी सोलापुर दौरे पर हैं। उनके हाथों अनेक विकास के कामों के उद्घाटन और शिलान्यास करने आएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सबसे बड़े गृह प्रकल्प का पोर्टशिला समारोह किया है। इस महत्वाकांक्षा को सामने रखते हुए पीएम मोदी ने 2019 की लोकसभा की विजय का विश्वास व्यक्त किया है। जिस काम का भूमि पूजन हम करते हैं, उस काम का उद्घाटन केवल हम ही करते हैं। और मैं दावा करता हूँ, इस गृह प्रकल्प में घर की चाबियां प्रदान करने के लिए भी मैं ही आऊंगा। ऐसा कहते हुए पीएम मोदी ने 2019 की लोकसभा चुनाव की विजय का दावा किया है। देश में सबसे बड़ा गृह प्रकल्प लोगों को बनाकर देने का संकल्प प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया है। यह प्रकल्प केंद्र सरकार की ओर से मंजूर करने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने विशेष प्रयत्न किए हैं। कष्टकारी कामगारों को मकान उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस प्रकल्प को 4 वर्ष में पूरा करेंगे, ऐसा अंदाज सरकार ने व्यक्त किया है। इसी अंदाज को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने कहा कि चाबियां देने को भी मैं ही आऊंगा, अर्थात 2023 में मैं ही प्रधानमंत्री रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत मराठी से विठ्ठल रुक्मिणी चरणों में प्रणाम करके स्थानीय संतों का उल्लेख कर की है। तो देखते रहिए खास खबर एमएनएस रिजल्ट के साथ। एमएनएस रिजल्ट खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें हमारे चैनल।